बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शिकायत के साथ मैं हूं इजाज़ डोगर। नाज़रीन, लाहौर के बिल्कुल चंद किलोमीटर के फासले पर शेखुपुरा ज़िला है। वहाँ पे अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की और पंजाब की बात करूँ खुसूसन, तो क्राइम की शरह सबसे ज़्यादा ज़िला शेखुपुरा के अंदर होती है। आए रोज़ सुनते होंगे कि दुश्मनियाँ भी यहाँ पे ज़्यादा हैं, कि 5 लोग यहाँ पे फायरिंग से मार दिए गए, 6 लोग मार दिए गए, 3 लोग मार दिए गए, लेकिन लाकानूनियत के इंतहा वो तो दुश्मनी अपनी जगह रहेगी। ये है कि आज हम थाना भिक्की गांव बाड़िया में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये अभी ताज़ा कब्र है। हम सब ने यहाँ पर जाना है, जो इस दुनिया में आया है ये तयशुदा बात है, हमारा ईमान है कि उसने ये दुनिया फ़ानी जो है छोड़ के जाना है। लेकिन यहाँ पे काबले अफसोस बात जो है वो ये है कि यहाँ पे जो पुलिस है वो बेबस दिखाई दी। गश्त करते हुए नज़र आई होगी पुलिस रोड्स के ऊपर गश्त कर रही है। ये चंद रोज़ पहले बिलाल अदनान इफ्तखार 26 साल का बच्चा नौजवान, जो कि पढ़ा लिखा नौजवान था, जो अपने वालिद के साथ हाथ बटाता था, काम करवाता था, बेरहमी से बेदर्दी से, पुलिस को इलम था कि ये 15 से 20 लोगों का जत्था डाकुओं का इस इलाके में आया हुआ है, वो सिवाय ऐलानात के और कुछ नहीं किया। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये सारा एक फसलों वाला इलाका है, डाकू यहाँ से निकलते हैं, गांव के अंदर आके पूरे गांव को यर्गमाल बना के लूटते हैं, लेकिन गांव वाले बेबस हैं। गांव वाले बेबस क्या हो, जहाँ पे पुलिस जो मुहाफ़िज़ हैं वो बेबस दिखाई देंगे तो वहाँ पे अहले इलाका क्या करेंगे? क्या यहाँ पे इलाका गैर है? क्या यहाँ पे इतनी लाकानूनियत की इंतहा है कि कोई पुलिस वाला, कोई यहाँ पे DPO IG कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है कि इस इलाके के अंदर थाना भिक्की के एरिया में मुसलसल पिछले 15-20 रोज से मुसलसल डकैती की वारदातें हो रही हैं। वो 15 से 20 लोगों का जत्था आता है जिनके पास जदीद असला होता है और आके पूरे गांव को यर्गमाल बना के अपनी मर्जी से लूटता है और लूट के चला जाता है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक वो कानून की गिरफ्त में नहीं आए। मुझे यहाँ पे इस इलाके के लोग जो हैं, इस गाँव के लोग जो हैं, और मैं सबसे पहले चाहूँगा कि वो जो बच्चा था, वो जो नौजवान था अदनान इफ्तखार, उसके वालिद से, क्योंकि वह ऐनी शाहिद भी हैं, वो भी, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मैं सबसे पहले उनसे जानूंगा कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हमें बहुत दुख हुआ, कोहिनूर न्यूज़ आपके गम में बराबर का शरीक है। हम आपके बेटे को, नौजवान खूबसूरत आपका बेटा जो है, इसको वापस नहीं ला सकते। अल्लाह इसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। ये वाक़या कैसे हुआ, ये अफसोसनाक वाक़या जो है, ये हुआ क्या? यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई ऐलानात भी करवाए गए, तो ये सारी दास्तान जो है, ये आला हुकाम हमारे जो है वो शायद इस बात को देख के यहाँ पे लोकल जो इंतज़ामिया है उनको होश के नाखून ले लें, तो सारी बात सुना। ये जी 10 बजे ऐलान होया पुलिस ने साढ़े पिंड में, ऐलान रात 10 बजे इन्होंने ऐलान कराया भी बंदे लगे फिर देने, तो आपो आप कैम हो जाओ, असी गाँव वाले आपो अपने घर जागने पे। 10 बजे ऐलान होया, ठीक 11 बजे सानू आन के तो पै गए ने, असी जागने सारियां नू, हुण आन के कबर कर लिया। 15-16 बंदे ने वो सारियां बह असला सानू उन्होंने आन। अच्छा जी, 15-16 बंदे सन? हाँ जी हाँ जी, 15-16 बंदे साढ़िया छत्तां ते चढ़ गए ने, सानू सारे जियां नू उन्होंने कबर करके, ये बेटे नू मैं क्या उत्थे तू पाओ, मगरों आन के मैं उठिया मैनू कुटन डे पे ने, वो 3-4 जने मैनू दस्तिया ने कुटन लग पे, डंडिया ने मारन लग पे ने। उधरों मेरी हाल पकार, मेरा बेटा अंदर, जो मेरी बच्चियाँ, मेरी बीवी, उन्होंने उत्ते भी खड़े ने, एक बच्ची उठी उन्होंने, उन्हें बट मारिया, वो बच्ची बोश हो गई है, वो बच्ची उत्थे डिग पई है। सानू सारे असं हाल हल करने, सानू उन्होंने कुटन मारन लग पे ने। उस तो बाद मेरे बेटे ने सुनया, उन्हें एक हवाई फैल किया, हवाई फैल करके वो आले दुआले छत्तां ते चढ़े सन, उन्होंने मेरे बेटे नूं 4 छुरे ब्रश्ट मारे ने, वो उत्थे डिग पिया, उनकी रैफल भी फड़ के लै गए ने, खो के लै गए ने, सानू उदों उन्हें छड्ड गए तो नस गए ने। जिस वेले असीं अंदर दौड़े हाँ, अंदर बच्ची बोश पई है, जे नाल मैं बैठ गया हवेली च गया, उधर बच्चा वो बोश पिया। क्यामत सुगरा थी उनके घर में, जवान बेटा जो है वो खून में लथपथ पड़ा हुआ है, बेटी जवान साला वो बेहोश पड़ी हुई है, खुद उसको जख्मी कर दिया गया, तो ये इनके पास असला किस तरह का? असला उन्होंने को क्रैशना, बड़े बड़े हथियार उसके पास,
उन्हें जिधर चाहते हैं ब्रश्ट मार दे, जिधर चाहते बच्चे ने ब्रश्ट मारे बच्चा उधर ये यहाँ पे फायरिंग करते रहे, फायरिंग करते ऑफ हरास फैलाते रहे। हाँ जी ना जेड़ा घोड़ता सी उन्हें डंडिया ना कूटते था, गों जब मैंने मार मार के मैं हाल पकार करता था, मेरा सिर फाड़ के थले नीचे मारन मैनु मार, जब उधर ब्रश्ट बजे ने फिर छट गए मैनु, फिर निकले आराम ना गए। ये लोग जो है ये किसी गाड़ी पे है, ये कहाँ से आए, कहाँ से तो पैदल ही आए ने, फिर पैदल गए ने। पैदल किस साइड से, इधर से फसलों से आए, किधर से आले दुआले इधर फसलों आए ने, बाहरों उधर वारदात करके रावा ने डेरे थे उतो अगो सानू आन पाए। अच्छा पहले भी यहाँ पे कहीं वारदात 7 बजे वारदात उन्हें रावा नु की थी है। हाँ इसी गाँव के रहने वाले बाड़िया के इतने खड़े ने, वो भी बयान देंगे ने, उन्होंने 7 बजे उन्होंने मारिया कुटिया ने, उन्होंने घरों चुक के बाहर लै गए ने, बाहर कुट के मार के उन्होंने चलो हम घर के बूहे खिलाओ, सानू अपने जेवर सानू अपने माली हालत जो सानू जमा कराओ, उन्होंने भी मार मार के देखो उसका क्या हाल किया बेचारे ने। अच्छा अभी तक पुलिस के आला हुकाम कोई पहुंचे यहाँ? पुलिस वाले कोई साढ़े को नहीं पहुंचा। क्या कहा है उन्होंने अभी तक? कोई नहीं कहा, कोई ना ना कोई जनाजे आके शरीक तो होने, ना किसी उन्होंने आके किसी दिलासा दिता है, कोई इतने पुलिस वाला नहीं आया, सिर्फ आन के पिंडा च अगे अगे ऐलान कर देने, पिछे पिछे डिकेटियां होने लगियां। इंतहा है जी, ये इस बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिसका जिसका जो है जवान साला जवान जो है वो उसके पास नहीं है। अच्छा इसकी कोई बता रहे हैं कोई शादी भी थी? हाँ जी अगले महीने शादियां सा मेरे दोनों बेटियां दिया, मैं और अक्सर अगला सारा कर लिया सा सी घर तैयार करके अगले महीने ची शादियां कर। ये एक और उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी कि जिनका दो तीन नौजवान उजड़ गए, साढ़े समझ दो तीन घर असं उजड़ गए, जिदा रिश्ते किए अगले महीने असं शादियां खुशियां मना रहे हैं, साड़ियाँ खुशियां बिच ही रह गई, असि खुशियों वाला घर जो है वो मातम में तब्दील हो गया। आप भाई हैं जी? पहले हमारे डेरे पे उधर डेरा राय फारूक पे इन लोगों ने हमला किया। अच्छा, पहला जो हमला हुआ वो आपके वहाँ पे हुआ? वहाँ हुआ है, और मेरे भाई हैं वो सामने खड़े हैं, उसको पकड़ के बाहर ले गए और मारते रहे, पूछते रहे तुम्हारे घर में क्या क्या है, नकदी कितनी है, जेबरात कितने हैं, उसको बहुत ज़्यादा मार के वापस लेकर आ रहे थे, चल के दरवाज़ा खुलवाएँ और सारा सामान हमें दें, और अपने भाइयों के घर भी जो सामान है, पैसे हैं, जेवर हैं, ये हमारा एक साहब है, इसको डिप्टी बोलते थे, इसको सभी सामान इसके थैले में डालना आप लोगों ने, अगर किसी ने मजामत की तो हमारे पास ये हथियार हैं, क्लैशन कोपे हैं, G3 हैं और बड़े बड़े हथियार हैं, हम ऐसे आपको ब्रेस्ट मारेंगे कोई भी घर में फर्द और। अच्छा तो फिर क्या हुआ? वो आगे उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, चानों की हमारी मदद अल्लाह पाक ने की, और हमारे भाई का बेटा हमारा भतीजा बाहर निकला, इनके दरवाज़ा खुलाने से पहले ही दरवाज़ा खोल दिया उसने, और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, चोर चोर डाकू इन लोगों ने दरिंदों ने उनको मारना शुरू कर दिया मेरे भाई को और भतीजे को, इतनी देर पर हम लोगों ने शोर सुना और भागे इनकी तरफ से और शोर मचाया, चोर डाकू पकड़ लो इनको, तो हमारी तो अल्लाह पाक ने मदद की, इज्जत बहाल की और हमारी जान छूटी, और हमारे ऊपर उन्होंने अंधाधुंध जो फायरिंग की और हमें रास्त में लेने की कोशिश की, मगर उधर से ये लोग नाकाम। आपने इतना कुछ हुआ, आजकल तो जदीद सिस्टम है 15 पे कॉल कर देते हैं, आपने नहीं कॉल की? खुद अपने नंबर से 15 पे कॉल की। और इस वाक्या जो ये हुआ, ये जो नौजवान कत्ल हुआ, इससे पहले कॉल किया? हाँ इससे पहले मैंने। पुलिस नहीं आई? पुलिस पहुंची है तकरीबन को 8:15 बजे के करीब पहुंची है। ये आपके पास जब पहुंचे वो टाइम क्या था? वो तकरीबन 8 बजे का टाइम था जिस वक्त पुलिस पहुंची है। और जब डाकू आए तो वो टाइम क्या? 7 और 7:30 के करीब, मतलब आधे पौने घंटे बाद पुलिस आती है। पुलिस आधे घंटे बाद पहुंची और 2-3-4 लोग थे और हमें दिलासा दे के वापस चले गए, चलो अल्लाह का शुक्र है जो आप बच गए हैं। तो वो क्या, जब पुलिस आई तो उन्होंने क्या किया कि वो डाकू इधर फिर रहे थे, क्या किया उन्होंने? उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, हमें दिलासे दे के इधर गांव में आ गए हैं और लान वगैरह। पुलिस का कमाल है कि पुलिस जो है आप 15 पे कॉल करते हैं, दिलासे दे के इस गांव के अंदर, वो जो है एक माह बाद शादी थी, नौजवान लड़के को कत्ल करके चले गए, तो कोई पूछने वाला नहीं, लाकानूनी किन था है? मैंने पुलिस को बताया ये बहुत दरिंदे लोग हैं, बड़ी बुरी गैंग दरिंदे हैं, 15-20 लोग दरिंदे होंगे जो मारते भी हैं, लेकिन ये कोई पहला वाकया था, इससे पहले भी यहाँ पे पहले बहुत ज्यादा वाकया हम सुन रहे थे। कितनी देर से ये थाना बिकी में वाकया था? बिक्की थाना में तो तकरीबन बहुत तकरीबन दिसंबर के महीने में तकरीबन 8-10 दिसंबर के महीने में 8-10 वाकया हुए। उस नौजवान का भाई अदनान इफ्तिखार का भाई मेरे साथ मौजूद है। भाई क्या नाम है? बिलाल इफ्तिखार है मेरा नाम। बिलाल इफ्तिखार है आपका नाम। वो अदनान आपसे छोटा था या बड़ा? बड़ा था मेरे से। आपकी भी शादी, दो भाइयों की शादी रखी थी आप? दोनों भाइयों की 2 माह बाद शादी थी हमारी।
तो दो माह बाद शादी से वाकयात जो गैंग घूम फिर रही है ये 15-20 दिन से घूम रही है। इससे पहले उन्होंने शहीन विलास में उन्होंने की है, वहाँ भी उन्होंने डकैती वगैरह की है, उस घर में लूटमार करते रहे हैं। उससे उसके साथ वाला गोवा लालू फुमन उधर भी उन्होंने की है। उसके बाद सब गांव जो है थाना भिक्की के हदूद में सारे थाना भिक्की यही 15-20 लोग जो थे यही जाते हैं, यही जाते हैं 15-20 दिन से घूम रहे हैं। इनका तरीका वारदात क्या है बिलाल? इनका तरीका वारदात है, ये घर को जरगरमाल बना लेते हैं, वहां से कोई एक आदमी को पकड़ते हैं, उससे मारपीट करते हैं, पूछते हैं कि आपके घर में क्या क्या है। कुछ छतों पर चढ़ जाते हैं, कुछ साइडों में घेरा वगैरह ले लेते हैं, तो वो डंडे हैं उनके पास, नए डंडे हैं, वो मारते हैं उनको, मारपीट करके फिर उनके बाद में पूछते हैं, औरतों पे भी तशद्दुद करते हैं, उनको भी मारते पीटते हैं। यार वो इंसान नहीं हो सकते, वो ठीक कहा भाई ने कि वो दरिंदे हैं जो खवातीन के ऊपर भी तशद्दुद करते हैं। वो ऐनी शाहिद बल्कि जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया इस वाकये से पहले, वो भी मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद खान जी। मोहम्मद खान साहब, क्या वाकया, आपने तो अल्लाह का शुक्र है कि आप जिंदा हैं, हयात हैं। अदनान नौजवान जो है ये आपकी आंख पे निशान जो है ये उन्होंने मारा? उन्होंने मारा। क्या वाकया हुआ था, क्या वो आपके पास कैसे है? वो सारे के मैं बैठक दे बेचे बिस्तरा लाए के बड़े सुकून ना लम्मा पिया, यकदम एक मिनट सेकंड दे बेचे नकाब किते ने ते अंदर आ गए ने। जदों कितने लोग थे? लोग 15-20-18 गिने गए नहीं है, बैठक बंदियां ना भरेगी जी। ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਫੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬਲਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮਤਲਬ ਆਪਕੀ ਬੈਠਕ ਕੀ ਲਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਦੇ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਾਓ ਬਾਹਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਹਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਆਪਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਜੁਰਮ ਕਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਲੋ ਇੰਨਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਗਰ ਬਾਹੀਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹੀਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਡੇਰੇ ਤੋਂ 3 ਕਿੱਲੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਟਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛਾਪਰ ਸੀ, ਟਨਲ ਜੋ ਟਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਛਾਪਰ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਕੋਈ ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਹੁੱਜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਜੇ ਕੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਆਰਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੰਜ ਦਾ ਪੁੱਛ ਕਰ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ 'ਚ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੋਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਆਪਕੇ ਕਾਨ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਿਸਾਲ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਬੂਹ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲ ਜਦੋਂ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਚੋਰ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਆਹ ਲੱਤ 'ਤੇ ਵੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਵੀ ਭੱਜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਕਾਬ ਪੋਸ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ ਸਾਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲੇਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਉਹਨਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਚਿਹਰੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਨਕਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਾ ਚਿਹਰਾ? ਮੌਲਵੀ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਧਿਆ ਸੀਗਾ, ਚੰਗਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਚਾਦਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਤੇ ਥੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ, ਐਸੇ ਜੈਸੇ ਆਪ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਆਪਣੀ ਵਰਗੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਹਾਂ ਪੇ ਅਹਿਲ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਗਾਓਂ ਬਾੜੀਆਂ ਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਨਸੇ ਪੁੱਛਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਵੋ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਯੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਜੋ ਹੁਆ ਇਤਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਔਰ ਸਫਾਕਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਉਸਕੀ ਵਾਲਦਾ ਕੋ ਉਸਕੇ ਵਾਲਦ ਕੋ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ, ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨਕੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਕੋ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆ। ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਉਸ ਵਾਲਦ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਉਸਕੀ ਵਾਲਦਾ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਉਸਕੀ ਭੈਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਵੋ ਭਾਈ ਜਿਸਕੀ ਸਾਥ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਥੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਹਲ ਇਲਾਕਾ ਸੇ ਜਾਨਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਵੋ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਥੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਤੋ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਾ, ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਥਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਕੈਸੇ ਮਹਿਮਾਨੋਂ ਕੋ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਕੈਸੇ ਕਰਨਾ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਕਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ। ਤੋ ਵੈਸੇ ਬਾਤੇਂ ਕਰਕੇ ਖੇਲ ਕੇ ਖਾਸ ਖੇਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਗਿਆ, ਤੋ ਅਭੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਥਾ, ਸਾਰੇ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਥੇ, ਤੋ ਇੱਧਰ ਸੇ ਵੋ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਸੇ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਟਰ ਕੋ ਵੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ, ਤੋ ਮਾਮਾ ਉੱਠ ਕਰ ਰੋਣੇ ਲੱਗ ਪੜੇ ਥਾ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਹੂੰ, ਤੋ 3-4 ਆਦਮੀ ਲੜਕੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਰਾਈਫਲੇ ਤਾਣ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਨਹੀਂ ਤੋ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਐਸੇ ਦਬ ਭਾਈ ਨੇ ਬਾਤੇਂ ਮਾਰੀ ਸੁਣੀ, ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਾ, ਤੋ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀ, ਹਵਾਈ ਆ ਗਏ ਵੀ
एक दो दफ़ा इधर डाकू पड़े थे, तीन चार ही थे वो, तो उसने हवाई फायरिंग की थी तो वो भाग गए थे। उसे अभी ये था कि एक दो होंगे या तीन चार होंगे, जब उसने पापा की शोरगुल सुना पापा के मार रहे हैं डंडों से, तो उसने फिर बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर वो बाहर आया कि हवाई फायरिंग करता हूँ भाग जाएंगे। जैसे उसने हवाई फायरिंग किया, जब उसने कर लिया, आप भी घर में मौजूद थे? जी मैं भी कर फायरिंग सब सुन रहे थे सर। आपने उनको देखा डाकू के छुप गए थे? दो तीन मैंने देखे हैं, बकाया मेरे जो मेरे ऊपर खड़े थे बकाया मुझे नजर ही नहीं आया सारे। अच्छा जी, ये अहले ये तो उनकी बेचारों की दास्तान है, जिनके ऊपर उस दिन एक क्यामत का मंजर था, उनको नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। आप अहले इलाके हैं, अहले मोहल्ला हैं? अहले इलाके के हम, ये तकरीबन काफ़ी दिनों से ये काम चल रहा है। फिर आज दो तीन जिस दिन ये वाकया होता है परसों का, फिर पुलिस वालों ने जब ऐलान कराया, कल भी ऐलान इसी तरह का हुआ है यहाँ पर। और हम लोग अपनी मदद आ गए कोठू, मतलब शाम को ही बच्चों को जो कहते हैं चले जो अंदर चले, शाम के टाइम पर कुंडियाँ ताले लगा कर मकान के ऊपर चढ़कर अपनी मदद आपके तहत पहरा दे रहे हैं। तो कोई मतलब ना किसी को निकल। अरे ये तो इंतहा हो गई है कि अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे पहरे दिए जा रहे हैं रात के टाइम। अच्छा जी, यहाँ पे एक नौजवान ऐसे हैं जिनके साथ चंद रोज पहले वारदात हुई, एक मिनट दीजिएगा जी। आप क्या कह रहे थे कि आपके साथ भी इसी तरह का कुछ वाकया हुआ? 9 दिसंबर की रात तकरीबन 9:30 बजे मैं किसी काम से बाहर निकला हूँ, तो हमारे शाहीन विलास में मेरी आया। शाहीन विलास का यहाँ से कितनी दूर है? दो ढाई किलोमीटर दूर। दो ढाई किलोमीटर। थाना भिक्की में आता है? थाना भिक्की में आता है। क्या हुआ? मैं निकला हूँ बाहर, तो शाहीन विलास की बैक साइड पे छोटा गेट है 2.5 फीट का। जैसे ही मैं उसे बाहर निकला हूँ तो मुझे 6 बंदों ने पकड़ लिया है। 6 बंदों ने पकड़ के मुझे बांध लिया है। ये पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है पीछे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मुतासरीन हैं यहाँ पे, वो शदीद नारेबाजी यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ पे पंजाब पुलिस जो है वो लाकानूनियत की इंतहा हो गई है, कि पुलिस जो है वो बिल्कुल यहाँ पे ये जो डाकू हैं, ये जो गुरोह हैं, उनको निकेल डालने में नाकाम हो चुकी है। बाकी अहले इलाका और वो जो फैमिली है, वो जो माँ है, वो जो बहन है जिसके ऊपर क्या गुजरी, उनसे मैं जानूंगा। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। वो नौजवान की वालदा जिस तरीके से रो रही हैं, यकीन कीजिए कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे वो बातें सुनी नहीं जा रही। शायद जो हमारे आला हुकाम हैं, वो एक वालदा ये देखें, वो घर तैयार हो रहा था जहाँ पे शादी तैयार कर, मेरे पुत्र नु इन्ना दिन हो गए, मैनु कोई नहीं पुलिस वाला चमड़िया, मेरे पुत्र ना किसे चोर नहीं लबा, मैं कितों लबा इंसाफ पुत्र दा, मेरा इड़ा शहर पता रहा, मैं तो भी अमानिया तैयारियां पे करा, मेरा पता रहा। ये वालदा है शायद हमारे हुक्मरान और ये कानून नाफिज़ करने वाले इदारे, जो उनको ख्याल आ जाए, उनको रहम आ जाए कि ये वाकयात क्यों होते हैं, ये माओं के जवान बेटे क्यों छीन लिए जाते हैं इस तरह बेदर्दी से। एक आंधी पुलिस है जिन्होंने साफ ही नहीं देना, एक आंधी पुलिस है जिन्होंने नौजवानों की रखवाल कोई नहीं समझनी, मैनू कोई ना लबा, अजे तक मेरे पुत्र का किसी चोर ना फड़िया। ये वो माँ है जिसने एक माह बाद अपने दो बेटों की शादी और शादी की तैयारियां देख रहे होंगे कि घर नया बन रहा है। मैं जब मेरा कोई काम ना आवे, ये अल्फाज सुन के जो दिल को चीर रहे हैं, शायद शर्म आए ऐसी पुलिस को जो यहाँ पे सिर्फ मस्जिदों में ऐलानात की हद तक महदूद है, जो इनको अपने वो कानून की सलाखों के पीछे नहीं ला रहे, कटहरे के अंदर नहीं ला रहे। मेरे ख्याल में शर्म आनी चाहिए। साथ वो छोटी बेटी, वो बहन जो एक जवान भाई को खो चुकी है, जिसको भी तशद्दुद को निशाना बनाया गया, जिसको बट मार के बेहोश किया गया। बेटा क्या हुआ, क्या ये सारा वाकया जो आपने तो अपनी आंखों से देखा, आपको बट मारे गए, बेहोश किया गया, क्या वाकया हुआ? मैं कमरे में थी, हम लोग पढ़ रहे थे, एक छोटा भाई मेरा पढ़ रहा था इस कमरे में, और मैं और मेरी बहन एक कमरे में बैठी थी। मैं वहाँ से बातें करके मैं उठने लगी थी उसके पास से,
मैंने कमरा बंद किया, लाइट बंद की उसकी, तो मैं बाहर आई और आके अचानक उन्होंने मेरे आंखों के आगे लाइट लगाई ऐसे, चार्ज लाइट उनके हाथ में, और बाद में मुझे नहीं पता मैं ऐसे आंखें बंद करती करती नीचे गिरने लग पड़ी। भाई मैं उठी चीख दी, वॉइस सुन के मेरा अंदर भरिया बंदिया नाल। आप बेहोश होगी बेटा? जी मैं वही, मैं गिर गई थी। मुझे इस क्लास में पढ़ती हूँ, मैंने सेकंड ईयर की हुई है, एफएससी की है। मुझसे इस माँ के जिससे जवान बेटा जुदा हो गया, मुझसे ये यकीन कीजिए मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा कि मैं क्या बोलूं। मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए हैं कि मैं इस माँ को, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है, जो माँ बोल रही है इसको बेटा कहाँ से ला के दें? वो इंसाफ जो मांग रही है वो इंसाफ कहाँ से दें? अब वो उनकी फुफी भी है, जिस तरफ उस बच्चे की, उस बेटे की, उस नौजवान की, अदनान इफ्तिखार जो कि 26 साल था, उसकी शादी होनी थी, उस फुफी वो जो सास बनने वाली थी, उनके जज्बात दो घर उजाड़ दिए। उनसे पूछता हूँ कि वो क्या कहती है, आप क्या कहेंगी खाला? बेटा क्या कहना, आपको इंसाफ चाहिए, इंसाफ नहीं मिला आपको। नौजवान कर शादी की तैयारियां थी, मेरा ही दुख, क्योंकि जो दामाद होते हैं, जो बहुएं होती हैं, वो भी बेटियां और बेटे होते हैं। जितना दुख उस माँ को है उतना ही दुख होगा कि एक घर बसने से पहले, बस वो मेरे पास नहीं अल्फाज, ये कुछ खवातीन जो है, वो कुछ रिश्तेदार और अहले मोहल्ला खवातीन भी हैं, उनसे भी जान लेता हूँ कि ये इस तरह के वाकयात जो हो रहे हैं, एक जवान बेटों को माओं से जुदा कर दिया जाता है, बहनों से जुदा कर दिया जाता है, तो पुलिस कुछ नहीं कर रही? पुलिस कुछ नहीं किया, साढ़े हक कुछ भी नहीं किया। आपको क्या लगता था? मेरा भतीजा लगता से मैं बहुत परेशान हूँ, मैं उधर सही बात है, क्या करें, वो इन DPOs, इन SHOs और इन जो है कानून नाफज करने वाले, ये पंजाब पुलिस की बात, पंजाब पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे यकीनन उनकी। माँ जी तुहाडा की लगता सी? मेरा पोतरा सी, मेरा बुढ़ी दादी है उसकी, पोतरा सी, मैं हाल हाल पकार दी सां, मेरे पोतरा ने फैल मार दिते, मेरे पोतरा का घर ब्याह रचिया है, मेरे दो पोतरा का घर ब्याह रचिया है, मेरा पोतरा ने वेख लो की कर दिता, असि रोने पा, साडा कुछ भी नहीं किसे किता, साडा पकारना पा, कुछ भी नहीं बनिया साडा, साडा कोई बनना चाहिदा है, मैं बुढ़ी मरी हां, मेरा पोतरा टुर गया है, मेरा घर जंजा दा वेला है, मैं की करा, मैं की बनावा, ना मेरा सजा दिया पुत्रो, ना मैं किधर जावा, ना मेरा कोई नहीं सुनता गल बात, मैं मर गई, मेरा पुत्रा, मैं किधर जावा, ना मेरा मांगे मांगे। मुझसे नहीं ये बातें सुनी जा रही है, बूढ़ी दादी हैं जो जिस तरीके से आहो बका कर रही हैं, जिस तरह से चीख चीख के इंसाफ मांग रही हैं, तो अब पता नहीं इनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब मैं उस जगह पे लेके जाऊंगा आपको जहाँ पे ये नया घर, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये वो घर है जो माँ बाप अपने बेटों की वो शादी के लिए ये नया घर बना रहे थे, अभी तैयार भी नहीं हुआ क्योंकि एक माह बाद शादी थी, और वो शादी से पहले ही वो घर खुशियों वाला जो है वो जो है मातम का घर बन गया। अब वो ये वो साथ ही जुड़ा हुआ वो हवेली है जहाँ पे उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, मैं उस जगह पे लेके चलता हूँ। ये वो कमरा है जहाँ पे वो मकतूल जो है अदनान इफ्तिखार इस कमरे में मौजूद था। जब उसने अपने घर में आहो बका सुनी और वहाँ पे शोर सुना तो उसके पास एक गन थी, वो यहाँ से निकलता है, यहाँ पे देख के, इस जो कमरा देख रहे हैं नीचे, यहाँ पे देख के जब देखता है तो वो हवाई फायर करता है कि उसके वालद जो बूढ़ा बाप है जिसको मार रहे हैं, उसकी बहन जो है जिसको बेहोश कर दिया गया, उसकी वालदा जिसके ऊपर डंडे बरसा रहे हैं,
वो जब यहाँ निकल के हवाई फायर करता है तो उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। और ये देख रहे होंगे मेरा कैमरामैन दिखाए, तो ये ऊपर यहाँ पे फायर लगता आके और इस जगह पे, ये जो जगह है यहाँ पे उसको गोलियां मार के मैं शहीद कहूँगा उस नौजवान को कि जो एक डाकुओं का आगे से सामना करते हुए जान की बाजी हार गया, शहीद कहूँगा। उसके बाद कुछ इधर फायरिंग लगी, ये उसकी चादर है, ये देखें खून से लथपथ है, ये गोलियां जो हैं इसके अंदर लगी हुई हैं, आर पार हुई हैं ये चादर के अंदर से जो गोलियां उस नौजवान को लगी। वो जो डाकू थे, वो दरिंदे जो थे, जो जिन्होंने पूरे इलाके को यरगमाल बनाया हुआ था, वो कुछ ये छत जो है ये सामने इन्होंने बनाई हुई अपने वो भैंसों जानवरों के लिए, इसके ऊपर थे। साथ ये घर जो नया बना रहे हैं उनके लिए, अपने बच्चों की, दो अपने बेटों की शादी के लिए जो तैयारियां की जा रही थी, शॉपिंग कर रहे थे, घर बना रहे थे, इस छत के ऊपर कुछ खड़े हुए थे जिन्होंने पूरे इलाके को यरगमाल बनाया हुआ था। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्दनाक कहानी ये है कि यहाँ पे 15 के ऊपर अहले इलाका ने, जिनसे पहले ये वाकया हुआ, जो उन्होंने कॉल भी की लेकिन पुलिस सिवाय मस्जिदों में ऐलानात करवाने के कुछ ना कर सकी। अब वो एक ऐनी शाहिद वो भी मौजूद है जिससे पुलिस ने ऐलान करवाया, और यहाँ पे कुछ अहले इलाका भी मौजूद है, वो घर के बाहर खड़े हुए। मैं वहां पे लिए चलता हूं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी हम उस मस्जिद में आ चुके हैं जहां पे ऐलानात करवाए गए कि यहां पे डाकुओं का जत्था ग्रोह एक आया हुआ है, और वो जो है ऐलानात करवा के लोगों को अलर्ट किया गया। लेकिन पुलिस क्या कर रही है मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब अहले इलाका ने अपने मदद आपके तहत सब कुछ करना है तो फिर ये थाने क्यों बनाए गए, ये पुलिस क्यों बनाई गई यहाँ पे, ये फिर आवाम के ऊपर बोझ क्यों बनाया गया अगर ऐसा कानून है यहाँ पे, तो ये समझ से बाला एक सवालिया निशान है। ऐसी हमारी पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान है, और थाना भिक्की के SHO और DPO शेखुपुरा के ऊपर एक आज ये वाकया बाड़िया में जो हुआ थाना भिक्की के अंदर 15 दिन के अंदर जो 6-7 वाकयात हो गए, एक सवालिया निशान पैदा कर रहे। ये SHO साहब क्या कर रहे हैं, DPO साहब इस पर एक्शन लेना होगा आपको कि एक आपका SHO जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, वो इस अहल नहीं है तो उसको फारिग कर दे, वो ऐसे डाकुओं का सामना नहीं कर सकता, वो अवाम को तहफ्फुज फराहम नहीं कर सकता, तो उसका काम ही नहीं बनता कि वो SHO रहे यहाँ पे। आप अमामत से जी? नहीं मामा मस्जिद नहीं है, मैं वैसे इधर इंतजामिया हूँ मस्जिद का। मस्जिद के इंतजामिया है। वो ऐलान जो हुआ वो आपसे करवाया गया था? जी मैं उससे करवाया था। जो अपना 4 पीस वाले आए थे, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ऐलान करो कि मस्जिद अपना भाई फरूक के डेरे के 7 बजे ना चोरों ने डकैती की है, 7:15 तो 18 बंदे हैं, उनके पास असला है, तो लोग अपना अपना इंतज़ाम करें और ध्यान से सोएं कि कोई चोर है, उनके पास असला भी है, और वो बहुत ज़बरदस्ती लोगों से पैसे और चोरी डकैती। ये ऐलान आपने किया पुलिस वालों को कहने पे? पुलिस वालों ने कहा। कितने बजे ऐलान किया? ऐलान किया 9:30 बजे। 9:30 बजे किया वहाँ पे, 7:15 बजे वारदात, 7:15 बजे यहाँ पे, 9:30 बजे ऐलान किया यहाँ पे, वाकया कितनी देर बाद हुआ? यहाँ पे 9:30 बजे ऐलान किया, 7:30 बजे उधर हुआ, 9:30 बजे ऐलान को आ रहा है, 11 बजे रात को तकरीबन इधर भाई के घर आए, उन्होंने 1.5 घंटा बाद, हाँ 1.5 घंटा बाद पुलिस वाले, एक घोटाला था उन्हें ऐलान करवा के घर जाके सो गए। उसके बाद चोर सारी रात कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, भाई इफ्तिखार के घर गए, उनके बेटे को कत्ल कर दिया, उनके 4 चफेरे असला लेके खड़े हुए थे, तो फिर वो बाहर निकले तो उनको कत्ल कर दिया। इस बात के सुनने के बाद DPO साहब मुझे एक सवाल पूछना है आपसे कि क्या आपका SHO थाना भिक्की इस अहल है कि उसको इस थाने में SHO लगाया जाए? मैं समझता हूँ कि वो एक कांस्टेबल के भी अहल नहीं है, वो एक रजाकार के भी काबिल नहीं है जो सामना नहीं कर सकता। अब मुझे ये प्रोग्राम शिकायत की टीम को देख कर अहले इलाका यहाँ पे दूर दूर 4-4, 5-5 किलोमीटर से लोग थाना भिक्की के रहने वाले जिनके साथ ये वारदातें हो चुकी हैं, जिनके यही डाकू ये दरिंदे जो 18 से 20 लोग जो है यहाँ पे आके वारदात करते हैं, उनका तरीका वारदात भी एक है, एक ही लोग हैं, एक ही जैसे हैं, लेकिन कानून की गिरफ्त से अभी तक दूर है। मैं उनसे जानता हूँ कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि आज हमने आपको पता है कि प्रोग्राम की शिकायत की टीम जो है हर उस जगह पर पहुँचती है, ना गोलियों की परवाह करते हुए, फायरिंगें भी हुई हम पे, हमले भी हुए, लेकिन ना परवाह करते हुए हमने ये बीड़ा उठाया है कि हमने गरीब आवाम की आवाज़ जो है आला हुकाम तक पहुंचाना, हमारा काम इतना है। आगे आला हुकाम की जिम्मेदारी बनती है, उनकी ड्यूटी में शामिल है, उनके फ़राइज़ में शामिल है कि जो पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ पे अहले लोग हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करना ये पुलिस की जिम्मेदारी है, थाने इसलिए बनाए जाते हैं। उन लोगों से जानता हूँ वो क्या कहते हैं इस हवाले से।
जी वो दुकानदार, ये एक बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो देखें बुजुर्ग जो हैं वो साथ अपनी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन ये इनसे पूछ लेते हैं कि क्या हुआ उस दिन वाकया। जी अस्सलाम वालेकुम। 9 बजे का टाइम जी, 9:15 बजे रात दा। रात दा की होया बाबा जी? मैं चला गया घर नू। अच्छा। मेरा पनेवा, मेरा पुत्रिया, मेरा चाचा, इधर गल करो ना, इधर मेरा चाचा यू, 5 बंदे ने थे, ए बंदा भी इत्थे गी आ जिहड़ा तुहाडे कान मगर खड़ोता है। पुलिस वाले आए थे, उन्होंने कहा दुकान बंद कर दो। वो हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा इधर टीम आ गई है। कौन सी टीम? वो डकैत आ गए सर। हमने दुकान बंद कर दी और घर को चले गए। ये तमाम दुकानें बंद करवा जी सर, सारी दुकानें बंद करा दी। अच्छा जी, ये उन दुकानदारों की कहानी है जिनको जबरदस्ती जो रात 12 बजे तक खोलते थे दुकानें, 9 बजे आके उनको कहा गया जी टीम आ गई है। कौन सी टीम आ गई है? वो बाबा जी कह रहे हैं कि हमें क्या पता कौन सी टीम आ गई है कि हमें दुकानें जबरदस्ती जो है वो बंद करवा दी गई, हमारा रोजगार जो है बंद करवा दिया, बजाय इसके कि इनको तहफ़ फराम किया जाता, इनको सिक्योरिटी फराम की जाती, वो कह के जी अपने ताले लगा के घरों को चले जाए। अब ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो मैं वो जो यहाँ पे थाना है मुतलका, जो पुलिस स्टेशन है, उनसे जानूंगा कि वो अपनी बेबसी और ये बेचार की जो है वो किस तरीके से बयान करते हैं। मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त ASP शेखुपुरा तौहीदुर्रहमान मेमन साहब के पास पहुंच चुके हैं। अब मेमन साहब से जानते हैं कि ये क्या हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? बिल्कुल। घर में सब खैरियत है? जी बिल्कुल। शेखुपुरा में क्या हो रहा है? शेखुपुरा में सर्दियों की वजह से कुछ प्रॉपर्टी के मुकदमात में, जो प्रॉपर्टी रिलेटेड क्राइम है, उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन उसके हवाले से हमने एक कंसर्टेड एफर्ट्स भी किए हैं और स्ट्रेटजी बनाई हुई है, टीमें हमने बनाई हुई हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। जी टीमें सर बनाई हुई हैं, लेकिन चले वो प्रॉपर्टी के मुकदमात, दुश्मनियाँ, क्राइम के हवाले से शेखुपुरा हमेशा पंजाब में टॉप लिस्ट में रहा है, लेकिन थाना भिक्की के एरिया में 1 दिसंबर के बाद मुसलसल को 8वीं 10वीं वारदात, 18 से 20 मुसल्ला जदीद असले से लैस लोग आते हैं, पूरे गांव को यरगमाल बनाते हैं और लूट के ले जाते हैं, वहां पे शेखुपुरा पुलिस क्या कर रही है? इसमें मैं आपको बताता चलूं कि एक तो ऑलरेडी गैंग हमने ट्रेस आउट करके, वो ज़रे तफ्तीश है हमारे पास, उनकी इंटरोगेशन भी चल रही है। अच्छा, कोई गैंग पकड़ा हुआ है आपने? हाँ जी, एक गैंग है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ गैंग्स काम कर रही हैं। जो हमने अभी तक आइडेंटिफाई की हैं वो तकरीबन हैं कोई बिक्की की मतलब एरिया में ही 3-4 गैंग्स हैं जो ये वारदातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरे पे भी हमने तकरीबन 90% काम कर लिया है, वो इंशाल्लाह जल्दी 1-2 दिन में हम ट्रेस। साहब खौफ व हरास की इंतहा ये है कि आज प्रोग्राम शिकायत की टीम जब बाड़िया गांव में पहुंची, थाना भिक्की का एरिया, वहां पे मुख्तलिफ इलाके 4-4, 5-5 किलोमीटर थाना भिक्की के एरिया से लोग वो आए हैं जिनके एक बंदे को पकड़ते हैं और उनके जितने अजीज हैं उनके घर नोक करके जो है वहां खलवा के वो दरिंदा तरीके से डंडों से मारते भी हैं, लूटते भी हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन मैं वहां पे फिर सवालिया निशान जो है शेखुपुरा पुलिस के ऊपर कर रहा हूँ कि पुलिस कुछ क्यों नहीं कर रही। मैं आपको इसमें बताऊं कि एक तो हमने पहला स्टेप ये लिया है कि जो ठिकरी पैरा का निज़ाम है वो हमने वहाँ पे लगाया हुआ है, लोकल लोगों के साथ मिलके, कम्युनिटी पुलिसिंग का एक पार्ट है ये भी, वो हमने करवाया हुआ है। और दूसरा जो पेट्रोलिंग प्लान है वो हमने तश्कील दिया है, उसमें जो स्पेशली लीड की गाड़ियाँ हैं वो पूरी रात वहाँ पे मेन रोड पे और लिंक रोड्स पे वो पेट्रोलिंग करती रहती हैं, क्योंकि इसमें गांव बहुत आते हैं, दूर दराज के गाँव हैं, तो वो समटाइम्स वारदात हो जाती है, लेकिन उस पर काम कर रहे हैं और हमें काफ़ी इंशाल्लाह। सर माजरत से, पेट्रोलिंग के अलावा कुछ नहीं कर रहे आपके ये नीचे अमला, खुसूसन भिक्की थाना का SHO जो है, मेरी कोई, मैं उसको जानता नहीं हूँ,
लेकिन वो आपके ऊपर पुलिस के ऊपर एक धप्पा है कि वो पहले भी जिस थाना में रहा वहाँ पे वारदातें बढ़ती रहीं। मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मैं राना आजम को जानता भी नहीं हूँ कौन है, मैंने शक्ल भी नहीं देखी क्योंकि आज हम आए हैं थाने के अंदर मौजूद है, कहता जी मैं तो फैसलाबाद रेड पे गया हुआ हूँ, लेकिन वो मौजूद था थाने के अंदर, वो सामने नहीं करना चाह रहा, उसको पता है क्या एक पुलिस ऑफिसर, आप ASP हैं, अल्लाह ने आपको इज्जत दी, आप जान जो अवाम है उसके जानो माल के तहफ़ के लिए आपको यहाँ पे बिठाया गया, क्या आप जाएं और ये मस्जिद में ऐलान करा दें जी डाकू आए हुए हैं या आ जाएंगे और आधे घंटे बाद डकैती हो जाए, मतलब वहाँ पे पुलिस की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उनका सामना करें? नहीं नहीं, ये तो हमारा फ़र्ज़ है और ये हमारी ड्यूटी है कि लोगों की जानो माल का तहफ़ किया जाए, और उसके हवाले से हम काम भी कर रहे हैं और काफ़ी हमें इंशाल्लाह जल्दी उम्मीद है कि कामयाबी मिलेगी इन गैंग्स को। बाड़िया के अंदर 26 साल का नौजवान जिसकी एक माह बाद शादी थी उसको वहाँ पर कत्ल कर दिया गया, मैं शहीद कहूँगा उसको क्योंकि डाकुओं ने मारा, 18-20 लोग हैं अभी तक उनके पास, कोई आपका कोई सीनियर ऑफिसर आप लगा लें DPO सब लगा लें, कोई अभी तक उनसे जाके कुछ जख्मों पे मरहम रखने के लिए चला जाता है कि हम कुछ कर रहे हैं, कोई अभी तक नहीं पहुँचा। नहीं नहीं, वो जिस रात ये वकुआ हुआ है उस रात मैं खुद गया था और हॉस्पिटल में मैं उनके साथ ही था 1:30 बजे रात तक, और मैं उनके साथ खुद मिला हुआ हूँ, हम उनके साथ जो गम में शरीक है। किनके साथ मिले हुए आप? जो मुद्दई हैं, जो जो लवाकिन हैं मकतूल के, उनके साथ में मिला था और हम खुद मतलब उनके साथ गम में शरीक हैं। इंशाल्लाह कुछ जल्दी हम ये जो हैं कातिल इनको हम ट्रेस करके और कैफे किरदार था करें कि आप इनको जल्द पकड़ लें, क्योंकि ये एरिया जो है थाना भिक्की का नोगो एरिया बना हुआ है वहाँ पर, और ये थोड़ा सा मुझे बता दें कि ये क्या इस तरह होता है कि एक जगह वारदात होती है 15 पे कॉल होती है, पुलिस पहुंचती है, फिर आधे घंटे बाद एक जगह वारदात हो जाती है, फिर ऐलानात करवाए जाते हैं, 1.5 घंटे बाद फिर वहां पे जो है बंदा मार दिया जाता है और सरेआम जो है वो वारदात करके चले जाते हैं, तो पुलिस का किरदार क्या है? मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि हम जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके साथ भी रबते में हैं, उनकी भी मतलब हम मदद हासिल कर रहे हैं और हम अपनी भी फुल एफर्ट्स जितनी भी। सर माजरत से, अब एक गांव के अंदर किसी के पास 12 बोर है, किसी के पास कोई और राइफल है, कि वो क्लैशन को थैले भरे हुए गोलियों के साथ G3 गन्स के साथ 20 लोग गाँव को घेरे में ले लेंगे, वो कैसे मुकाबला करेंगे? नहीं, उसमें मुकाबला तो नहीं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन देने की हद तक तो हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इमीडिएटली ना विदाउट। फिर SHO थाना भिक्की 15 पे कॉल भी हुई, वो क्यों नहीं सामना किया उन्होंने? नहीं, वो अब ये मेरे नोटिस में नहीं है चीज़, लेकिन अगर ये ऐसी सर आपको नोटिस, आपको DPO साहब ऑनरेबल हैं आप हमारे लिए, क्या ये नोटिस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है कि SHO जो थाना भिक्की है वो क्राइम जो है वहाँ पे बढ़ रहा है, 1 दिसंबर से डेली वारदात हो रही है और वही गैंग कर रहा है, तो फिर उसको SHO क्यों लगाया हुआ है आपने? नहीं, वो डेफिनेटली ये इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, लेकिन मैं जैसे मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि हम कोशिश कर रहे हैं और हमने पेट्रोलिंग प्लान भी अपना चेंज किया हुआ है और वहाँ पे हमने जो व्हीकल्स हैं इलीट वाली वो गाड़ियाँ लगाई हैं और पूरी रात वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं, लेकिन SHO भी अपनी कोशिश कर रहा है और मैंने आपको बताया। सर माजरत से नहीं कर रहा, मेरी कोई मुखालफत नहीं है, आप ये नहीं कि आप सामने बैठे हुए, आप हैं अच्छे तरीके से सवालों का जवाब दे रहे हैं, आप हॉस्पिटल भी पहुँचे, आपका SHO नहीं काम कर रहा वहाँ पर, उसको वहाँ पर ऐसा SHO लगाएं दबंग SHO जो ऐसे लोग जो है उनका सामना करें, ये नहीं कि खौफ के मारे थाने में छुप के बैठ जाए। नहीं, उसको भी मतलब हमने टाइम दिया हुआ है कि हफ्ते के अंदर वो जो गैंग है वो ट्रेस आउट करके उनको पकड़ के अंदर कर लें, और नहीं तो फिर उसका भी फिर उसके खिलाफ जो डिपार्टमेंटल एक्शन है वो इंशाल्लाह लिया जाए। सर जो खौफ और हरास वहाँ पे फैला हुआ है उस इलाके में, जो लहर है खौफ और हरास की, हर जो बंदा है वहाँ पे आज गए हम, वो एक अजीब सा खौफ है उनके अंदर कि आज रात शायद, क्योंकि वो कोई एक दिन कहीं वारदात करते हैं, दूसरे दिन जो है कहीं पे वारदात करते हैं, तो DPO साहब चूँकि आज मौजूद नहीं है, DPO सर और आपकी तरफ से जो वहाँ की आवाम है उनके के लिए जो तहफ़ एहराम करने के लिए आपका क्या पैगाम है? हमारा पैगाम यही है कि हम उन्हीं के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हम इंशाल्लाह जल्दी उनको पकड़ के अंदर करेंगे और लोगों को इंशाल्लाह इंसाफ देंगे ताकि उनमें ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो महसूस हो और ऐसी चीज़ को हम ख़त्म करें। जो वो दरिंदे जो आके तशद्दुद भी करते हैं, जो लूटते भी हैं, मारते भी हैं, ख्वातीन बच्चे बूढ़े सब पे तशद्दुद करते हैं, उनके लिए बतौर एक दबंग ऑफिसर, क्योंकि आप जहाँ भी लगे रहे, जहाँ भी आपकी तैनाती रही, वो कहे हमारे मैं यहाँ पे, क्योंकि आप सिंध से बिलोंग करते हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त SP सऊद मक्सी साहब आजकल सिंध में हैं, वो भी एक बड़े दलेर पुलिस ऑफिसर थे, आप भी यंग हैं, तो आपका ऐसे दरिंदों के लिए क्या सख्त से सख्त पैगाम होगा?
ऐसे जराम पसंद अनासरों के खिलाफ हम इंशाल्लाह सख्ती से हम निपटेंगे और हम कोशिश भी कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने पकड़ा भी है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की हुई है। और उनके लिए मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि ये अब मतलब कानून से ना बच नहीं सकते और इनको जल्दी से जल्दी हम पकड़ के जो उनकी सख्त से सख्त इनको सजा दें। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी दे और आपका ये अज़म जो है इसमें कामयाब करे। दूसरी तरफ देखा जाए तो यही गैंग जो मतलब यूँ तो एक गैंग है ना, हमारे फिरोजवटवा में हमारे सहाफ़ी भाई से कुछ दिन पहले वहाँ पे गन पॉइंट पे 2 लाख समथिंग छीन भी लिया, तशद्दुद भी किया। तो ऐसे वाकयात जो हो रहे हैं एस पी साहब कुछ करने की ज़रूरत है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अल्लाह पाक ने इख्तियार दिया है तो कुछ कर जाएं। आप यहाँ लोगों को नाम याद रहे, आप शेखुपुरा से जाएं तो लोग ये कहें कि तौहीदुर्रहमान मेमन साहब आए थे अफीसर यहाँ पे, उन्होंने इनको जो नकेल डाली थी, तो ऐसे ही कुछ काम कर दें आप। नहीं, वो कर भी रहे हैं, मतलब हम दिन रात जो हमारे मतलब कैपेसिटी है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उससे ज़्यादा बढ़ के हम दिन रात काम कर रहे हैं लोगों की जानों माल का के तहफ़ के हमसे। बुज़दिल जो एसएचओ है आपका, वो जो भिक्की में जो छुप के बैठता है मस्जिदों में ऐलान करवाता है, मैं फिर कहूँ मेरी कोई ज़ाती इनाह नहीं है उसके साथ, लेकिन बात यह है कि वो तहफ़ सारा फराम करना। अब DPO साहब और ASP साहब तो नहीं वहाँ पे मौजूद होते हर टाइम, थाने की हदूद में वो जंगल का बादशाह होता है ना, इसी तरह वो एरिया का बादशाह SHO होता है, तो वो बादशाह अच्छा है, वो छुप के थाने में बैठा होता है, लोग वारदातें कर रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे आप? ये कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन के ऊपर आप वादा करेंगे ऐसे SHO के साथ क्या करेंगे? नहीं, वो मैं आपको बताऊं, वो बड़ा वर्कर SHO है और वैसे इस पे हंसी आ रही है, इस पे हंसी आ रही है, ये तरफदारी कर रहे हैं आप? नहीं, तरफदारी वाली बात नहीं है, जो हकीकी बात है मैं वो कह रहा हूँ। उसका किरदार जरा रिकॉर्ड चेक कीजिएगा, माना वाले थाने में रहा, डकैती की वारदातें बढ़ गई। मैं ये नहीं कह रहा कि वो डकैतों के साथ मिले हुए हैं, लेकिन आज वो भिक्की में लगे हुए वहाँ डकैतियों की वारदातें बढ़ गई। डकैती वारदातें देखिए हो जाती हैं, लेकिन फिर हमारा काम है कि उनको हम ट्रेस आउट करके, उनको वर्कआउट करके, जो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ के हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, और वो कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी ही इनको ट्रेस आउट करके हम। ASP साहब बहुत शुक्रिया। तौहीदुर्रहमान मेमन ASP शेखुपुरा मेरे साथ मौजूद थे, बड़ा आज़म रखा हुआ उन्होंने कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ऐसे जो दरिंदे हैं, ऐसे डकैत जो है, ऐसे गैंग जो है, एक डकैत वो गैंग पकड़ा भी हुआ है, वो बहुत जल्द कानून के कटहरे में होंगे, गिरफ्त में होंगे। लेकिन यहाँ पे फिर मैं ASP साहब पास बैठे हुए हैं कि ऐसे SHO जो डकैतों को नकेल नहीं डाल सकते, वो कोई भी SHO हो, उनके ऊपर ज़रा थोड़ा सा ध्यान दे। अब मैं मेरे जो ज़िला शेखुपुरा के सहाफ़ी भाई हैं, चूँकि वो भी शाना बशाना होते हैं पुलिस के साथ, जहाँ पर कोई गोलियाँ चल रही हों, कोई कुछ भी हो रहा हो, वहाँ पर पहुँच के खबर देते हैं और वो अंदर की खबर जो बाहर लेके आते हैं। मैं उनसे जानूंगा कि ये जो बढ़ती हुई क्राइम की रेशियो है, इसके पीछे असल हकायक क्या है, क्या वाकई ASP साहब, DPO साहब इन जो ग्रोह हैं इनको नकेल डालने में कोशा है, और अगर कोशा है तो अल्लाह इनको कामयाब करे। मैं अब उनसे जानता हूं वो क्या कहते हैं। अजी, आपने ASP शेखुपुरा मेमन साहब की गुफ्तगू सुनी, वो तो बड़ा आज़म रखते हैं कि ऐसे ग्रोह जो हैं उनको जल्द कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे और सलाखों को पीछे लेके आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं SHO भिक्की की बात करूं तो उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है, और वो पुलिस के ऊपर ऐसे SHO, मेरी कोई ज़ाती अना नहीं है, लेकिन जो आवाम को तहफ़ फ्राहम नहीं कर सकता, उसमें यकीन कीजिए कि पुलिस में रहने का कोई उसको हक ही नहीं है, वो खुद छोड़ के चला जाए जो तहफ़ फ्राहम नहीं कर सकते। इस हवाले से हमारे जो ज़िला शेखुपुरा के सहाफ़ी भाई हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि सहाफ़ी और पुलिस का चोली दामन का साफ साथ होता है, ये भी बरसती गोलियों में जाके वहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं और इदारों तक पहुँचाते हैं, ये इस हवाले से क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी तबस्सुम साहब, आप क्या कहेंगे? सर, मैं आपको ये बताता चलूँ, भिक्की थाना के एरिया फिरोजवटवा में इंतहाई जो पुलिस की कारकर्दगी है वो ज़ीरो है, ठीक है। लोग अपना जो कारोबार कर रहे हैं वो बिल्कुल महफूज नहीं समझते, और वो कहते हैं कि हमारे लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो फिर सहाफ़ी जो है, जाहिर है सहाफ़ियों का काम है सहाफत करना, जो है ख़बर पहुंचाना, तो आप सहाफत जो है वो मेरिट पे कर रहे हैं, या यहाँ पे मैंने सुना है कि सहाफ़ी भी जो है वो तहफ़ फराहम उनको भी नहीं किया जा रहा, वो भी महफूज अपने आप को नहीं समझ रहे? जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। पिछली दफ़ा हम जो है ना, इधर झगड़ा हुआ था मामू वाला में, हम उधर कवरेज के लिए गए, हमारे साथ भी बदतमीजी की गई थी। ठीक है, आप बेग साहब क्या कहेंगे? आप बड़ी मुनसफाना सहाफत करते हैं, बिल्कुल बैलेंस जो है सहाफत करते हैं, आप इस हवाले से। जी डोर साहब, बात यह है कि शेखुपुरा जो है ये डकैती चोरी कत्ल रहजनी की वारदातों में इस वक्त टॉप पे चला गया,
चेयरमैन प्रेस क्लब फिरोज वटवा, आपका वो थाना भी आपके आता है, तो आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले मैं ये अर्ज करूँगा कि जो थानों में ऐसे जो सबान लगते हैं वो सिफारशी होते हैं और इसी वजह से वो सही काम नहीं कर पाते। जो क्राइम फाइटर पुलिस ऑफिसर है उनको पीछे लाइन खुटे लगा दिया जाता है और यही वजह है कि जो पुलिस आवाम के जानो माल के तहफ़ की अमीन है और उससे जो जब वो ऐलानात करवाती है। आप सिफारशी कह रहे हैं, यहाँ पे क्या आपको लगता है कि कोई MNA MPA जो है उसका कार्य खास लगा हुआ है? थाने में कार्य खास ना भी लगा हुआ तो जो पुलिस के अंदर जो होते हैं, यहाँ पे दो MNA वो इस एरिया में आते हैं, राना तनवीर साहब और मियाँ जवेद लतीफ साहब, आपको क्या लगता है कि उनकी सिफारिश है? नहीं, ये उनकी सिफारिश नहीं है, क्योंकि वो तो सिफारशी आप कैसे कह रहे हैं? वो पुलिस के अंदर सिफारिश होती है उनकी, उनके बड़े लंबे हाथ होते हैं, वो आला अफसर घर। आप बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, ये क्राइम जो है कुछ शेखुपुरा में पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये रेशो हमेशा क्राइम की शरह जो है शेखुपुरा में जब पंजाब के लिए से उठाएं तो ज़्यादा रही है, इसमें क्या करे पुलिस, हुकूमत क्या करे कि ये क्राइम की शरह जो है कम की जा सके? उसमें सिर्फ एक ही बात है कि थानों में जो ऐसे जो हैं वो मजबूतरीन लगाए जाएँ, जो क्राइम फाइटर ऐसे जो हों। पहले हमारे पास ऐसे जो आज़म बसरा थे, उस दौरान कोई डिकेटी नहीं हुई, जब भी कोई कमज़ोर SHO लगता है तो डिकेटियाँ शुरू हो जाती हैं। क्या ये थाना भिक्की SHO कमज़ोर है? कमज़ोर है जी, ये सही तौर पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कहेंगे आप अपने DPO साहब, ASP साहब ने तो अभी वादा भी किया कि हम देखते हैं इसको, तो आप क्या कहेंगे DPO साहब, IG साहब, जो आपके RPO साहब, उनसे क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि वो क्राइम फाइटर जो है वो इंस्पेक्टर वहाँ तैनात करें, जो कि लोगों के जानों माल का तहफ़ कर सकें। जब ये पुलिस ऐलानात करवाती है कि हम पे नहीं रहना, जागते रहना, और ये ऐलानात हुए हैं मस्जिद में, पुलिस जो है वो जो आवाम के जानों माल का तहफ़ करने में नाकाम हो रही है। नाकाम हो रही है, मैं इस पर कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा, मैं कोई बात नहीं करूँगा, अब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं रहे कि मैं बताऊँ कि यहाँ पे जो है कारकर्दगी क्या होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत वक्त जो है इस वक्त उनको ये ख्याल करना चाहिए कि ये उनकी हुकूमत के अंदर जब उनकी हुकूमत आई तो ये डकैतियाँ वारदातें जो है ये सिर्फ शेखुपुरा में नहीं, ओवरऑल देख लें तो ये बढ़ गई हैं, क्राइम की शरह बढ़ गई है। तो मेरे ख्याल में ये इमरान खान साहब को और वज़ीर आला पंजाब जो है उनको बिल्कुल इस पर देखना पड़ेगा कि इसको हमने कैसे कंट्रोल करना है। हो सकता है उनको मिसगाइड किया जा रहा हो, लेकिन उनको चाहिए कि आप हर डिस्ट्रिक्ट के जो DPO साहिबान हैं उनके साथ मीटिंग करें और ऐसे दबंग, जिस तरह मेरे साफी भाई ने कहा, ऐसे दबंग SHOs लगाने की ज़रूरत है जो वाकई क्राइम की शरह, जो बिल्कुल डाकू गैंग हो, उनका सामना करने से ना घबराएं। ये ना हो कि मस्जिद में ऐलान करवाएं कि भाई हम, वो कहें कि हमें बताएं ऐसे SHO हो, हमें बताएं जहाँ पे ऐसे जो डकैत गैंग है हम उनका सामना करेंगे, ऐसे SHO लगाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम शिकायत से अपने मेज़बान इजाज़ डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।